से बुलाएंगे। इलेक्शन हम लोगों को अच्छे से करवाना है, बिना कोई हिचक का करवाना है। आने वाला जितना भी फेस्टिवल है, सब फेस्टिवल भी हमको भाईचारे और प्यार वाला माहौल में हमको मनाना है। धनबाद में जब हम 7 साल पहले था, जितना आज के दिन में हम लोग जो छोटा छोटा किचकिच हो रहा था, उतना किचकिच नहीं होते थे। इसका मतलब है कि उसके बाद जितना लड़का लोग, मैक्सिमम प्रॉब्लम हमको हमेशा लड़का ही लोग करता है। जो यंग लड़का लोग है, जो 18, 19, 20, 21, 22 साल वाला लड़का लोग मैक्सिमम, आप बोलिए चाहे उनका बचपना हो चाहे जो भी हो, उसी के चलते प्रॉब्लम हमारा शुरू होता है। और प्रॉब्लम शुरू हो जाने के बाद फिर उसको मिटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आग लगाना बहुत आसान है, फिर उसको आग मिटाने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। और एक बार आग लगने के बाद फिर निशाना हमेशा रहता है लोगों के मन में, हमेशा आपका जो ट्रस्ट वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। आप हमेशा संदेह की निगाह से बाकी लोगों को देखना शुरू करता है, और ये आपका एक साइकिल है, विशेष साइकिल है। आपके मन में संदेह है, वो जो भी करेगा आपको लगेगा भाई वो कुछ गलत इंटेंशन के साथ कर रहा है। ये साइकिल हम लोगों को ढूंढना है, प्यार से हमको अपना फेस्टिवल मनाना है। होली के टाइम में भी इस बार हम लोग अच्छे ढंग से करवाए, लेकिन कहीं कहीं छोटा छोटा इश्यू हुआ था कुछ कुछ लोगों के चलते, कुछ यंग यंग लड़का लोगों के चलते। ऐसे लड़का लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करना, सामाजिक स्तर से भी कार्रवाई करना और मेरे स्तर से भी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये छोटा छोटा चीज एक दिन आपके और मेरे ड्यूटी से बाहर निकल जाएंगे, तो हमेशा के लिए एक बड़ा धार धनबाद के लिए ले जाएंगे। भागलपुर का नाम जैसे कहीं पर भी आप लीजिए, लोग क्या मन सबसे पहले मन में क्या है, क्लियर है? तो ये आपको कभी धनबाद में लोग कोयला से जानता है, धीरे धीरे लोग बोलने लगे थे, तो यहाँ भी धीरे धीरे कम्युनल का बीज आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ये हम लोगों को होने नहीं देना है। जैसे कि 2-3 हमारा वक्ता लोग बताया भी कि इसमें जितना रोल हमारा है उससे ज्यादा रोल आप लोगों का है। जो करता है समाज का ही लोग करता है, समाज का ही कुछ लोग, शूद्रजीवी जो होता है, वो जिसको अमन चैन पसंद नहीं है, चाहे वो किसी और का फायदा के लिए कर रहे हो, चाहे वो बचपना के चलते चल कर रहे हो, तो हमको ऐसे लोगों को चिन्हित करके इन लोगों को हमको ठीक करवाना बहुत जरूरी है। ठीक करेगा कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो प्रशासन की तरफ साइड से जो भी कार्रवाई होना है हम लोग कर रहा है। इलेक्शन के चलते भी आप लोग अभी जान रहे हैं कि हम लोग बहुत लोगों को ऑलरेडी चिन्हित किया हुआ है 107 का कार्रवाई करने के लिए। 107, 108, 109, 110 प्रिवेंटिव कार्रवाई बहुत है। हम लोग ऐसे भी कुछ लोगों को चिन्हित कर रहा है जिसके ऊपर हम लोग CCA का भी प्रपोजल करेंगे। अगर कुछ लोग ऐसा भी है, जितना भी हम लोग कार्रवाई करें ये अपना बदमाशी छोड़ता नहीं है, ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट करने का भी प्रोशन है। शायद हम लोग इस बार इसका भी इस्तेमाल कर सकता है। अमन और चैन धनबाद में बरकरार रखना आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यह खास करके इस बार इलेक्शन का टाइम है। तो इसलिए हमारा जो फेस्टिवल अभी होने वाला है, चेती चट होने वाला है, आपका ईद है, उसके बाद हमारा रामनवमी है। रामनवमी में अखाड़ा निकलता है, ईद में भी निकलता है, नहीं निकलता है, तो मतलब रामनवमी में हमारा निकलता है। तो हम लोगों को थोड़ा इस बार थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने का जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत होता है। क्योंकि हम जान रहे हैं ग्रामीण स्पीक के टाइम में हम हर जगह घूमते थे, हम जान रहे हैं यहाँ पे कितना भीड़ होता है। तो भीड़ में एक एक व्यक्ति पर निगरानी रखना आप लोगों का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो अखाड़ा का जो कमेटी है, कमेटी का प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइम टास्क है। अकेले नहीं कर पाएंगे तो आप अपने वॉलंटियर्स को तय कीजिए, लेकिन ये इंश्योर करना है कि आपका वॉलंटियर उस दिन नशा का सेवन करके ना रहे, तो फिर हमको आपका वॉलंटियर को भी उठा के ले जाना पड़ेगा। जैसे आपको वॉलंटियर को उठा के ले जा पाएंगे, फिर मतलब आप अखाड़ा का जो भी हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ये रेस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं सकता है। तो इंश्योर कीजिए आप लोग अच्छा छवि का अच्छा लड़का लोगों को अपना वॉलंटियर रखिए। इन लोगों को बोलिए भाई आप लोग अगला जिस दिन हमारा अखाड़ा निकलना है उसके 2 दिन से ये लोग दारू वारू और किसी तरीके का नशीले पदार्थ का सेवन ना करें, क्योंकि अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है इस बार, खास करके इलेक्शन का भी टाइम है। मॉनिटरिंग इलेक्शन कमीशन के स्तर से हो रहा है। आप लोग पेपर में भी पढ़ता होगा, विविध जगह पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत कार्रवाई भी कर रहा है। तो हम लोग प्रशासन, हम लोग इस बार
जो भी छोटा छोटा त्रुटि होगा उसको हम लोग बहुत सीरियसली लेंगे, तुरंत हम FIR करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे भाई आप इसमें क्या किया। हम तो बोलेंगे देखो FIR कर दिया, इतना आदमी के विरुद्ध हम आगे के कार्रवाई हम कर रहे हैं। हमारा भी मजबूरी इस बार आपको समझना है, हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। कठोर कार्रवाई हम नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन हमसे पूछेंगे कि आप क्या कार्रवाई किया, तो हम बता नहीं पाएंगे, तो फिर हमको परेशानी झेलना पड़ेगा, ये तो हम नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा पहले भी जुलूस के टाइम में कहीं कहीं हमारा प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, तो ये हमारा जन सहयोग समिति का थाना मिड लेवल पे जो होता है वो लोग जानता है, मेरा थाना प्रभारी सब नया है, DSP लोग सब नया है, आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि आप लोग जाइए, जाके एक बार थाना प्रभारी को अपना एरिया के बारे में पूरा जानकारी दे दीजिए, कहीं पर भी समस्या वाला जगह है, समस्या करने लायक कोई जगह है, लेकिन आपको एक दूसरे पर फेंकना नहीं है। हम पिछले बार भी हम बोला है, हम पहले अपने घर को ठीक करेंगे, उसके बाद हम बगल वाला को घर का हम ठीक करेंगे। इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके समुदाय का कौन कौन व्यक्ति परेशान गलत बदमाशी कर सकता है, ऐसे लोगों का लिस्ट बना के दे दीजिए, दूसरा समुदाय वाला अपना लिस्ट बना के दे देंगे, हम कुछ करेंगे नहीं। हम दोनों समुदाय का जो लिस्ट दिया वो लड़का लोगों को बुला के हम इतना बोल देंगे बेटा तो मेरा निगरानी पे है, तुम कुछ करोगा तो बेटा फिर देख लेना। डर तो है प्रशासन का, आज भी पुलिस का डर है, पहले आप लोग बताएंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि हम लोग पिछले 3 महीने में हम लोग बहुत मेहनत की, आप लोग भी बहुत सहयोग किया, हम लोगों को विभिन्न जगह पर कुछ कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम्स हुआ, आप लोगों के चलते हम लोग इसको बहुत बड़ा होने नहीं दिया। तो आगे भी हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग हमको इसी तरीके से मदद करेंगे। अपना समुदाय का लोगों को ठीक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग खुद लेंगे, उसके बाद अगर कुछ व्यक्ति आपके कब्जा से बाहर जाता है तो उसको ठीक करने का काम हम करेंगे, और हम कठोर कार्रवाई इस बार हम लोग करेंगे इलेक्शन के चलते। इस बार DJ का भी कुछ लोग बोला है कि DJ का भी हमारा प्रॉब्लम है, तो इस बार हम लोग अभी हम लोग मीटिंग करके डिसीजन ले लेंगे, इस बार DJ अलाउ करना है नहीं अलाउ करना है, इसमें मैक्सिमम हम लोग DJ इस बार अलाउ नहीं करेंगे। ध्वनि विस्तार का जो माइक होता है, माइक का स्पीकर होता है, समिति की बैठक नहीं होती थी, तो मैं उसका कारण भी आप लोगों को बता दे रही हूँ कि ईद के अवसर पे इस बार शासी समिति की बैठक करने का मुख्य कारण और एकमात्र कारण है चुनाव, क्योंकि अभी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश स्पष्ट हैं, इसीलिए ईद के अवसर पर भी शासी समिति की बैठक के आयोजन की आवश्यकता पड़ी, ताकि आप लोगों को हम लोग स्पष्ट रूप से ये बता सकें कि आपसे क्या अपेक्षा है और आपको क्या क्या डायरेक्शंस फॉलो करने हैं और आपकी समस्याएं भी सुन सकें। अभी तक की जानकारी के अनुसार हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ईद का जो त्यौहार है वो 11 तारीख को मनाया जाएगा, फिर उसमें एक दिन आगे पीछे अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो उसी हिसाब से हम लोग अपनी तैयारियों को शिफ्ट करेंगे। इसमें कुछ जो पॉइंट्स कुछ स्पीकर्स ने रेज किए हैं कि कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ सेंसिटिव स्थल हैं, संवेदनशील पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ मस्जिद हैं या कुछ ऐसे कुछ रास्ते हैं जहाँ पर विशेष फोर्स की आवश्यकता है, तो उसको संबंधित SP सिटी या रूरल ने नोट कर लिया होगा आई बिलीव, और संबंधित DSPs और थाना प्रभारी ने भी, और वो अकॉर्डिंग फोर्स डिप्लॉयमेंट उसी हिसाब से किया जाएगा। हम लोग को शेड्यूल भी दिया गया है 11 तारीख का, जैसा कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि जब ईद का त्यौहार मनाया जाएगा तो 9 बजे तक आपकी सारी नमाज का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से पूरा हो जाना चाहिए। एक बहुत पॉइंट रेस किया जा रहा है सफाई को लेकर के और पानी की व्यवस्था को लेकर के, तो सफाई को लेकर के नगर आयुक्त साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उन्होंने वो चीज़ें नोट कर ली हैं। पानी का व्यवस्था को लेकर के मैं बार बार विभिन्न मीटिंग्स में आप सभी को बोल रही हूँ कि आप सभी, क्योंकि आप सभी बार बार बोल भी रहे ना कि ऑफिसर्स तो टेम्प्रेरी हैं, हम लोग परमानेंट हैं, तो आप परमानेंट हैं तो आप ये जान भी रहे हैं कि धनबाद का जो वाटर लेवल है वो कितना डाउन हो चुका है, तो जाहिर सी बात है उसमें ये टेम्प्रेरी ऑफिसर्स का तो योगदान बहुत कम ही होगा, जो परमानेंट रेजिडेंट्स है उन्हीं का योगदान होगा। सो परमानेंट रेजिडेंट्स के योगदान में जब वाटर लेवल इतना नीचे गया है तो उन्हीं को फिर आगे आना पड़ेगा।